फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। तो इससे पहले वाले क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि सेव कैसे करते हैं, प्रोग्राम को रन कैसे करते हैं और एलिमेंट क्या क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे कांस्टेंट, वेरिएबल और अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या क्या होता है। देखिए, कांस्टेंट वो होता है जो थ्रू आउट प्रोग्राम चेंज नहीं होता, उसकी वैल्यू सेम रहती है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। ये पूरे प्रोग्राम में कहीं भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब ये दो टाइप के होते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट और न्यूमेरिक कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट कुछ इस तरीके से हो सकता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में। न्यूमेरिक कांस्टेंट कुछ इस तरीके से हो सकता है। वेरिएबल, देखिए वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक वो चीज़ है जहाँ पर डाटा स्टोर होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कह सकते हैं, जो मेमोरी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जहाँ पे हम डाटा स्टोर करते हैं उसी को हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक में अल्फ़ाबेट हो सकता है, उसमें हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं। वेरिएबल इज स्मॉल अमाउंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, एकदम स्मॉल अमाउंट है कंप्यूटर मेमोरी का जहाँ पर हम डाटा को स्टोर करते हैं टेम्प्रोरली। सिंपली यू कैन से वेरिएबल इज एन एंटिटी दैट स्टोर डाटा नीडेड टू बी यूज इन प्रोग्राम। यानी कि जो डाटा स्टोर हम लोग करते हैं, जो कंप्यूटर को यूज करते हैं, जो उसकी नीड के लिए होता है, वही होता है वेरिएबल। हर प्रोग्राम में हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं नीड के अकॉर्डिंग, और उसमें वैल्यू देते हैं, और वो वैल्यू प्रोग्राम के में चेंज भी हो सकती है, ठीक है। देर आर मेनली टू टाइप ऑफ वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल और न्यूमेरिक वेरिएबल। स्ट्रिंग वेरिएबल होता है और न्यूमेरिक वेरिएबल होता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन जानते हैं आप लोग, कई बार बताया मैंने कि मैथमेटिकल जो ऑपरेटर होते हैं उसी को हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं, जैसे कि प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और एक्सपोनेंशियल। इसमें क्या है, ऐड कर दिया तो 52 आ गया, माइनस कर दिया 42 आ गया, डिवीजन कर दिया। अब इसमें क्या होता है एक्सपोनेंशियल, ये 50 का मतलब क्या है, 50 पे पावर 2, तो इसका आ जाएगा आंसर 2500। तो वही चीज़ है, 2500 आ गया, स्क्वायर कर दिया, 15 × 50 विल बी इक्वल टू 2500। तो ये आपका कांस्टेंट, वेरिएबल और अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, जो क्यू बेसिक में इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि स्टेटमेंट क्या होता है, और फिर प्रोग्राम शुरू करेंगे कि कैसे प्रोग्राम लिखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।